इन दिनों नदी से बालू के उत्खनन और परिवहन पर रोक लगी है। एनजीटी की रोक के कारण 15 अक्टूबर तक बालू का उठाव नहीं होना है। जहां एनजीटी की रोक लगने के बाद बालू की कीमतों में जबरदस्त उछाल हुआ है, वही जिले में 2.5 से 3 हजार रुपए के बीच बालू की बिक्री हो रही है। जिले भर में अवैध बालू का उत्खनन कर जगह जगह स्टॉक की गई है। आपको बता दें कि दारू के ठेके में अपनी किस्मत आजमा चुके एक माफिया ने बालू के धंधे में एंट्री पा ली है। हालांकि पिछले वर्ष बालू माफिया के हर एक कारोबार की जांच हुई थी और लगभग 16 घंटे तक थाने में रखकर पूछताछ हुई थी। इसके बाद उक्त माफिया व उसके करिंदों के विरुद्ध देवघर व जामतारा के विभिन्न थानों में मामले भी दर्ज हुए थे, जिसमें से अधिकांश मामलों में उसके करिंदों को बेल मिल गई है। हालांकि पिछले वर्ष दुमका के एक बालू माफिया ने दारू वाले पर खूब सितम ढाया था। इसके बाद दारू वाले बालू माफिया को बैकफुट पर आना पड़ा था, लेकिन इस साल दारू वाले बालू माफिया अपनी लामबंदी करने में जुटे हैं। इस बीच कुछ एक अन्य बालू माफिया एंट्री करने की फिराक में दरबदर घूम रहे हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।